अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HST SST टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। MCQ नंबर 1 है, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? कैथोड, लेजर और आइसोटोप। इसका करेक्ट आंसर है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है सब में, और मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है हर आइसोटोप का। हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। सबसे पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है। इस आइसोटोप का नाम क्या है? इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। और एटॉमिक नंबर कहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जबकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है और मास नंबर भी 1 है। देन सेकेंड आइसोटोप क्या है हाइड्रोजन का? इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका मास नंबर होगा 2, क्योंकि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन को मिला के मास नंबर हो जाएगा इसका 2 और इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। देन थर्ड आइसोटोप क्या है हाइड्रोजन का? इसे हम कहते हैं ट्रिटियम और इसका मास नंबर होता है 3 और एटॉमिक नंबर होता है 1। मास नंबर 3 कैसे होगा? 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे 3 और एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सारे आइसोटोप में 1 है, जबकि मास नंबर है पहले आइसोटोप में 1, दूसरे आइसोटोप में 2 और तीसरे आइसोटोप में 3। अब ये MCQs आपको क्लियर हो सकता है कि इसमें पूछा गया है एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द क्वान्टिटी ऑफ हीट दैट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फ्राम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्राम लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर इज कॉल्ड। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि वो हीट जो कि एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, कब इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है जबकि किसी भी सब्सटेंस की जो है वो स्टेट चेंज हो रही हो, सॉलिड से लिक्विड हो रही हो या फिर लिक्विड से वेपर हो रही हो, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ फेज चेंज। इफ़ द चेंज इज़ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन, इफ़ द चेंज इज़ फ्रॉम लिक्विड टू गैस इट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि लेटेंट हीट वो हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस की फेस को चेंज करने के लिए। अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है चेंज तो हम क्या कहेंगे इसको, हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड से गैस हो रहा है यानी कि वेपर तो इसे हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है। अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है और इसमें है हमारे पास आइस। अब हम क्या करते हैं कि इस बीकर को हम प्रोवाइड करते हैं हीट। कैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे? हम यहाँ पर इसके पास बर्नर ऑन कर देते हैं। हमने बर्नर ऑन किया तो क्या होगा कि बर्नर से हीट प्रोवाइड होगी इस बीकर को, तो बीकर में जो आइस है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड में। तो क्या होगा कि इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आइस है ना ये कन्वर्ट होना शुरू होगी लिक्विड में, तो इसमें क्या होगा टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा लेकिन हीट प्रोवाइड हो रही है। इस हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द फिनोमेना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम बट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आइसोमेरिज्म, क्योंकि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है। हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजन्स के साथ रिएक्शन कराया जाता है। आइसोमेरिज्म है इसका करेक्ट ऑप्शन। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड सेम होता है और एटम्स भी सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अरेंजमेंट जो होती है ना एटम्स की वो डिफरेंट होती है। इस वजह से क्या हो जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना कंपाउंड की वो चेंज हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सिस टू ब्यूटेन और ट्रांसट्यू ब्यूटेन, इस दोनों में क्या फ़र्क है। इनका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो सेम ही होगा, सेम नंबर ऑफ एटम होंगे। यहाँ हम देख लेते हैं सिस टू ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, और ट्रांसट्यू ब्यूटेन में भी क्या है,
फोर कार्बन है और एट हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यहाँ पर अरेंजमेंट जो है ना मिथाइल ग्रुप की वो डिफरेंट है। एसएस में क्या है कि मिथाइल ग्रुप दोनों नीचे लगाए हुए हैं, और ट्रांस में क्या है कि एक मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है और एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है सिमिलैरिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म इंडिकेटिंग सिमिलर और एनालॉगस केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइसो मीन्स होता है सेम और मॉर्फ मीन्स होता है शेप और फॉर्म। इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। सच कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। इसमें क्या क्या रहे हैं कि इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना वो सेम होती है, उनको हम क्या कहते हैं इन कंपाउंड्स को जिनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक एक दूसरे से मिलती हुई होती है बिल्कुल, उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि आइसोमॉर्फ हैं एक दूसरे के। इसके एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है कि इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हुई है, इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम, दे आर आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, और ये एक दूसरे से बिल्कुल एक मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट एम सी क्यू हमारे पास है, द फिनोमेना इन विच केमिकल रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस विच रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड। जब भी कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट क्या कहते हैं उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसे स्पीड अप कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। स्पीड अप कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड, और अगर स्लो करते हैं तो क्या लिखा हुआ है रिटार्डेड। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उस फिनोमेना का क्या नाम है, कैटलिस्ट तो डाला जा रहा है उस रिएक्शन में लेकिन उस फिनोमेना का नेम पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, कैटालिसिस। अब हम देख लेते हैं कैटालिसिस क्या होती है, द सब्सटेंस दैट ऑल्टर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। अब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम बहुत बहुत स्लो हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसमें कैटलिस्ट को ऐड करा देते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है या फिर स्लो कर देता है। इसकी एग्जांपल हम डेली लाइफ में से भी देख सकते हैं कि जब हम मीट जो है, मीट को हम जब कुक कर रहे होते हैं, अगर मीट गलने में बहुत टाइम लगा है तो हम क्या करते हैं उसमें हम पपाया ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पपाया का जो अपना टेस्ट है वो तो नहीं आता हमारे फूड में, लेकिन ये क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है मीट को, टेंडर करने में हमारी मदद करता है। तो इसमें क्या है कि ये जो पपाया हमने ऐड किया है ना मीट को गलाने के लिए, तो ये हम सपोज कर लेते हैं ये क्या यूज़ हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसका जो है टेस्ट हमारे फूड में नहीं आता। इसी तरह कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस में डाले जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कैटालिसिस कहेंगे इस प्रोसेस को, और उस सब्सटेंस को जो ऐड किया जा रहा है ना रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कराने के लिए, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।